दोस्तों आप सभी को हमारा सुबह का नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है गोइटे, घेंगा, गिल्लड़। घेंगा या गिल्लड़ जिसे कहते हैं, यानी कि सामने की जो ग्रंथि है, इसे अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से गर्दन के सामने पैदा होने वाली सूजन, जो भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के शोथ से अर्बुद या थायरॉयड ग्रंथि की कार्य अल्पता अथवा अतिकार्य से पैदा होती है, इसे हम गोइटे कहते हैं। रोग और उसमें प्रयोग की जाने वाली कुछ औषधियाँ, जो होम्योपैथी में वैसे तो बहुत सारी औषधियाँ हैं जो विभिन्न रूप से प्रयोग में आती हैं और अलग अलग ढंग से उनका चयन होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ हम चर्चा करेंगे जो कि इसके लिए कुछ कार्य करती हैं। जैसे नंबर एक जो है वो है आयोडम। ये औषधि ग्रंथि संस्थान के रोग को ठीक करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। रोगी के गले की ग्रंथि बढ़ जाने के कारण घेंगा रोग होता है। इस रोग में रोगी को आयोडम औषधि की 3 या 30 की शक्ति या फिर 6 शक्ति या 1 mm का प्रयोग करना चाहिए। इस रोग में इस औषधि के मुलार का भी प्रयोग ठीक करने के लिए किया जा सकता है। मुलार करने की मदर टिंचर। घेंगा रोग के ऐसे लक्षण जिसमें रोगी को शारीरिक शक्ति कम हो जाती है और शरीर दुबला पतला हो जाता है तथा भूख अधिक लगती है तथा रोगी टीबी के रोगी की तरह दुबला पतला हो जाता है। घेंगा रोग में गले की ग्रंथि सख्त हो जाती है जिससे रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसा उसका गला सिकुड़ रहा हो। ऐसे में रोगी को आयोडम शक्ति की 1 mm की मात्रा कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उसे 1 mm की पोटेंसी दिन में 2 बार दी जा सकती है, हफ्ते में 2 बार दें, या फिर अगर कुछ हद तक उससे आराम मिलता है तो 15 दिन में 2 बार दें। अगली जो दवाई है वो है ब्रानिया। घेंगा रोग में अगर आयोडम से लाभ ना हो तो ब्रानिया औषधि की प्रयोग 1 mm की पोटेंसी में करनी चाहिए। घेंगा रोग के बढ़ जाने के साथ रोगी में उत्पन्न ऐसे लक्षण जिसमें रोगी दाएं तरफ लेट नहीं सकता और दाएं तरफ लेटे ही उसे अपने हृदय की धड़कन महसूस होती है। ऐसे लक्षणों में रोगी को ब्रानिया औषधि की 200 की पोटेंसी की 2 बूंद उसके जीभ पे देनी चाहिए और फिर या तो दिन में 2 बार दें या फिर 1 बार भी दें या फिर 1 mm की पोटेंसी को 1 बार दें। यदि घेंगा रोग में आयोडम या ब्रानिया से लाभ ना हो तो थायरोडिनम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। इसे 6, 12 या 30 की पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। अगर अन्य औषधियों से घेंगा रोग में कमी ना आए परंतु वह पूर्ण रूप से समाप्त न हो तो थायरोडिनम औषधि लेनी चाहिए। इस औषधि का सेवन करने के बाद कोई असामान्य लक्षण उत्पन्न होता है तो इसे तुरंत बंद कर दें। अगली जो दवा है वो है हमारी कैल्केय काप। कैल्केय काप में रोगी जो है बहुत मोटा होता है, फुलफुला होता है, उसे पसीना भी ज़्यादा आता है और पैर भी हमेशा पसीने से तरबतर रहते हैं। उसे ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, वो गर्मी पसंद करता है। ऐसे रोगी को कैल्केय काप की औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार औषधि दें, इससे जो है काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा। अगली जो दवा है वो हमारा है फ्लोरिक एसिड या एसिड फ्लोर। यदि ऊपर की औषधियों से रोगी को आराम न मिल ले तो रोगी को फ्लोरिक एसिड की 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार देनी चाहिए और हो सके तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक कंसल्टेंट से सलाह मशवरा करें जो आपके शहर में है या आपके गांव में है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे आप अपने रिश्तेदारों में, यार दोस्त में कृपया शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।